Hello everyone, welcome to online classes. Today we are going to discuss square root and square. Then after we will discuss exercise 7.1. Students, before moving further with the questions of exercise 7.1, we will see the square root. Okay, so first thing is that what is square root? स्क्वायर मीन्स होता क्या है? स्क्वायर मीन्स होता है टू या डबल. ओके, ये चीज़ ध्यान रखेंगे. स्क्वायर मतलब होता है किसी भी चीज़ का डबल, यानी उसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट जो है वो उसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से. क्लियर? सपोज कोई नंबर है, मान लीजिए 3 है, तो अगर बोला जाए कि 3 का स्क्वायर क्या होगा, अगर आपसे बोला जाए 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि 3 का डबल, मतलब उसका डबल, यानी कि उसका स्क्वायर. उस कंडीशन में हमें मिलता है 9. अगर आपसे कहा जाए स्क्वायर ऑफ 3, तो हमारा होता है कि हमने 3 को दो बार लिख दिया, 2 टाइम्स लिखा उसको, और उसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 9 आया. ये हमारा स्क्वायर हो गया 3 का. अगर आपसे कहा जा रहा है स्क्वायर रूट क्या होता है, तो स्क्वायर रूट हम तब कहते हैं, सपोज वी हैव 9 और आपको बताना है 9 का स्क्वायर रूट, तो आप इस तरह से सिंबल बना देंगे और उसके अंदर 9 को लिख देंगे. अब आप 9 को देखेंगे कि कितने टाइम्स में ये इक्वली ब्रेक हो रहा है. तो अगर देखा जाए तो ये 3 × 3 में ब्रेक हो रहा है, यानी 9 का स्क्वायर रूट होगा 3. क्लियर? सपोज वी हैव 169, ठीक है, तो बोला जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा. अगर आपसे कहा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो गया. यहाँ तो 9 था, तो हमारे लिए ईजी था कि हमने इसको ब्रेक कर दिया 3 × 3 में. लेकिन जब हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नंबर होता है, तब हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, 169 का फैक्टर निकालेंगे. ठीक है, तो आप देखेंगे ये 13 से कटेगा तो आएगा 13, फिर 13 से कटेगा तो 1 आएगा, यानी हमें फैक्टर अंदर क्या मिला, 13 × 13. तो अगर आपसे बोला जाए कि 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 13. ये रूट के अंदर ये 2 टाइम्स लिखा गया, जब ये रूट आप हटाएंगे तो सिर्फ ये 2 का 1 ही बाहर आता है. ओके, 2 सेम टर्म्स हैं, मान लीजिए ऐसे करके लिखा हुआ है, और इसके अंदर लिखा है 2 × 2 × 3 × 3 × 3. तो आप क्या करेंगे, सेम नंबर्स की पेयरिंग बनाएंगे, जैसे एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया. तो अगर आप रूट को हटाना चाहते हैं, इस रूट को रिमूव करना चाहते हैं, इस पेयर से 2 आएगा और इस पेयर से 3 आएगा. ठीक है, और अभी भी ये 3 का कोई पेयर नहीं है हमारे पास, तो रूट के अंदर ही 3 रहेगा जब तक इसका कोई हमको पेयर नहीं मिल जाता. तो हमारा आंसर होगा इस कंडीशन में 6√3. क्लियर? इस चीज़ को ध्यान रखेंगे. अगर आपके पास कोई बड़े नंबर का स्क्वायर होता है, तो आप उसका फैक्टर फाइंड कर लेंगे, उसके फैक्टर्स को आप 2-2 का पेयर बना देंगे, इक्वल नंबर्स का पेयर बना करके आप रूट को हटा सकते हैं. वेरी इजी वे, यू कैन अप्लाई एंड यू कैन फाइंड द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंट नंबर्स. सो यू कैन सी हियर that square root is denoted by this sign. This is the sign of square root. Suppose a whole number is there और उसका अगर square root कहा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से symbol के नीचे उसको लिख देते हैं. Clear? जैसे यहाँ पे example आप देखेंगे, 2 × 2 = 4 है, तो अगर 4 का square root कहा जाए तो 2 होता है. वैसे 3 × 3 = 9 है, अगर 9 का square root बोला जाए तो 3 होता है. मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर स्क्वायर करने की बात की जा रही है, तो उस डिजिट को आप 2 टाइम्स लिख देंगे, 2 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आंसर होगा वही उसका स्क्वायर होता है. लेकिन स्क्वायर रूट में क्या करेंगे,
आप जस्ट इसका अपोजिट करेंगे, मतलब जो नंबर्स हैं वो टू टाइम्स दो दो का पेयर बना करके हम उसको हटा देते हैं। जैसे 9 था तो इसका 3 हो जाएगा, यहाँ 3 था और इसका 9 हो जाएगा। मतलब 3 था, 2 टाइम्स हमने लिखा, मल्टीप्लाई किया और हमें 9 मिल गया। लेकिन स्क्वायर रूट जब होता है तो 9 है तो उसका स्क्वायर रूट जब होता है तो हमारा 3 हो गया। ओके, सो स्टूडेंट्स वी हैव सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे कि रूट्स आ चुके हैं, तो अब इन रूट्स को किस तरह से सॉल्व करना है ये हम देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 3 अपॉन रूट अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट है प्लस 9 अपॉन अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो हमने देख लिया, आप देखेंगे सॉल्यूशन कैसे करना है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन के बाद का स्टेप। 3 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 था, यानी हमें एक पेयर मिल रहा है, तो अगर हम इस रूट को हटाना चाहें तो हमें 2 यहाँ से मिल जाएगा, क्लियर। प्लस 5 था, 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो हमारा एक पेयर ये हो गया और हमारा दूसरा पेयर ये हो गया। अगर हम इस रूट के साइन को हटाना चाहें तो एक एक पेयर को हम बाहर कर सकते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 बाहर आएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 में से एक आएगा और 3 मल्टीप्लाई 3 में से एक आएगा। इसी तरह 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 4 में से 3 मल्टीप्लाई 4 ही बाहर आएगा और 9 वाले में से 4 मल्टीप्लाई 5 बाहर आएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 3 बाई 2 प्लस 5 बाई 6 प्लस 7 बाई 12 प्लस 9 बाई 5 4 जा 20, ठीक है। अब इसके बाद आप सिंपली ऐड करेंगे। ओके, तो अगर एडिशन करना है आपको तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम होगा आपका 60, क्लियर। 2 से 60 30 टाइम्स मिल जाएगा, 33 जा 90 प्लस 6 से 60 10 टाइम्स में जाएगा, 10 5 जा 50 प्लस 12 से 5 टाइम में जाएगा, 5 7 जा 35 प्लस 20 से 3 टाइम में जाएगा, 9 3 जा 27। ऐड कर लेते हैं 90 प्लस 50 140, 140 प्लस 30 170 और प्लस 5 175, 175 में 27 जोड़ेंगे, 7 प्लस 5 12 1, 7 प्लस 2 9 110 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, आंसर विल बी 202 बाई 60। इसको काट देते हैं हम, ये हो जाएगा 101 अपॉन 30 और इसके बाद हमारा जो होगा मिलेगा हमें उसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में करना होगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमें मिलेगा 3 होल 11 बाई 30। ओके, एंड दिस विल बी आवर आंसर। नाउ द स्टूडेंट्स नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अ मैन अर्न्स रुपीज़ 20 ऑन फर्स्ट डे एंड स्पेंड रुपीज़ 15 ऑन सेकेंड डे, ठीक है। कह रहा है कि पहले दिन एक इंसान है जो पहले दिन 20 रुपए कमा रहा है और दूसरे दिन 15 रुपए खर्च कर दे रहा है, यानी पहले दिन 20 और अगले दिन 15 खर्च करा, यानी दो दिन के बाद उसके पास कितने बच रहे हैं, 5 ही रुपए बच रहे हैं। पहले दिन 20 कमा रहा है, अगले दिन 15 खर्च कर रहा है, उसके पास 5 रुपए बच रहे हैं दो दिन पे, ठीक है। आगे कह रहा है ही अगेन अर्न्स रुपीज़ 20 ऑन थर्ड डे एंड स्पेंड 15 ऑन फोर्थ डे। कह रहा है कि फिर अगले तीसरे दिन वो 20 रुपए कमा रहा है और चौथे दिन वो उसको खर्च कर रहा है, 15 रुपए खर्च कर रहा है, फिर से 5 रुपए बच रहे हैं। यानी पहले दो दिन में उसके पास 5 रुपए बचे, फिर तीसरा और चौथा दिन मिला करके भी उसके पास 5 ही रुपए बचे, यानी 4 दिन में उसके पास 10 रुपए बचे, ठीक है। इफ़ ही कंटिन्यूज़ टू सेव लाइक दिस, अगर वो इस तरह से सेविंग करने लगे तो कितने दिन में वो 60 रुपए कमा लेगा, देखेंगे कैसे करना है। लिखेंगे यहाँ पे अ मैन अर्न्स रुपीज़ 20 फर्स्ट डे, ठीक है, स्पेंट
ही स्पेंट रुपीज 15 सेकेंड डे. ठीक है, तो सेविंग इन टू डेज, सेविंग इन टू डेज हो रहा है उसका 5 रुपीज. तो अगर 2 दिन में 5 रुपये बच रहे हैं, फिर वही कंडीशन थर्ड डे की है, वो 20 कमा रहा है और फोर्थ डे 15 खर्च कर दे रहा है, सेविंग हो रही है कितनी 5 रुपये की. यानी टोटल पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 4 डेज में उसके पास कितना हो जा रहा है, 10 रुपीज़ ही सेविंग हो रही है. तो अगर 4 दिन में 10 रुपये सेविंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि 40 रुपये वो कितने दिन में कर पाएगा, 4 × 4, ठीक है, 16 डेज देखेंगे. पहले क्या करेंगे, जो लास्ट डे होगा उस दिन तो वो 20 रुपया पाएगा. मतलब उस दिन अगर वो 20 रुपये पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अंतिम दिन का छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं, पहले 60 में से 20 घटा देते हैं, क्योंकि अंतिम दिन उसके हाथ में कितना आएगा, 20 रुपये. लिखेंगे कैसे, यहाँ तक आपने लिख लिया, इसको हटा दीजिए अभी. आप इसके बाद लिखेंगे स्टेटमेंट जो होगा आपका, वो इस तरह से होगा, ही अर्न्स रुपीस 20 ऑन लास्ट डे, देन सेविंग विल बी 40 रुपीस बिफोर लास्ट डे. तो अगर अंतिम दिन वो 20 रुपये कमाएगा, तो उसके पहले की उसकी सेविंग 40 रुपये हो जानी चाहिए. तो 40 रुपये कितने दिन में होगा, 40 रुपीज़ के लिए 4 × 4 करेंगे, जो कि आएगा 16 डेज. मतलब 4 दिन में वो 10 रुपया कमा रहा था, 4 दिन में 10 रुपये कमा रहा था. तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, 4 दिन में 10 रुपये, तो 40 रुपये कमाने के लिए कितना बार, कितना 4 डेज की ज़रूरत पड़ेगी. 4 दिन में 10 रुपया, तो 4 × 4 = 16 डेज में 40 रुपये. तो 40 रुपीज़ का हमें 16 डे मिल गया, और बाकी बचे हुए 20 रुपीज़ वो लास्ट डे कमाएगा. तो यानी कि वो एक दिन और हो गया, तो 16 + 1 = 17 डेज टोटल लगेंगे. 17 डेज टोटल लगेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 17. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 इन द डाउट सेशन. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, 1/10 ऑफ अ पोल इज कलर्ड रेड. एक पोल है, एक बड़ा सा पोल है, खंभा है, जिसका 1/10 कलर किया गया है रेड से, 1/20 वाइट से, 1/30 ब्लू से, 1/40 ब्लैक से, और बाकी बचा हुआ ग्रीन से. तो कह रहा है, व्हाट पार्ट ऑफ द पोल इज ग्रीन. पोल का कौन सा पार्ट ग्रीन होगा, देखेंगे. सॉल्यूशन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7 का. तो हम क्या करेंगे, हमारा एक पोल था, तो वन पोल है, तो उस पोल को हम 1 कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है. और कह रहा है 1/10 रेड था, 1/20 ब्लू था, 1/30 ऐसे करके दिया गया है कलर्स को, 1/30 वाइट था, 1/40 ब्लैक था, और बाकी बचा हुआ ग्रीन था. तो अगर हमें 4 कलर्स का पता है और 5वां कलर हमें नहीं पता है, और पोल की लेंथ है 1, तो हम अगर उसमें से घटा दें बाकी 4ों को, तो हमें पता चल जाएगा कि चौथा कितना था. तो हमने क्या किया, 1 में से इन सारे को एक साथ घटा दिया. तो इन सारे को एक साथ घटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको एक साथ ऐड करेंगे, कोई एक सिंगल वैल्यू आएगी उसको हम घटाएंगे. तो हमने क्या किया, अंदर ब्रैकेट के हमने सबको ऐड कर लिया. ऐड करने पे हमें मिला 25/120. इसको हमने काटा ऊपर नीचे 5 से, तो 5 5 जो 25
और 24 5 जा 120, इस तरह से हमने काट दिया, हमें मिला 1 - 5 by 24। हमने इसका सब्ट्रैक्ट किया, इसको फाइंड किया, तो हमें मिला 19 by 24, जो कि हमारा आंसर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज द स्क्वायर रूट ऑफ 484 विल बी, क्या करेंगे आप, अंडर रूट रखेंगे इसको, मतलब सिंपली आप ऐसे रूट का साइन बनाएंगे, ठीक है, और 484 रखेंगे और इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। फैक्टर्स फाइंड करने के बाद दो दो का पेयर बना करके रूट को हटा देंगे। सो इसको आप खुद से करेंगे, मैंने आज रूट के बारे में बहुत कुछ बताया है, तो ये आप खुद से करेंगे। ओके, कह रहा है द डिफरेंस ऑफ 1 whole 3/4 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, 4 × 1 + 3, 4 × 1 = 4 + 3 = 7/4। तो यहाँ पे आया 7/4, इसका रेसिप्रोकल होगा 4/7। क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, माइनस का साइन होगा। आगे आप करेंगे योर असाइनमेंट वर्क। नाउ वी विल सी थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। थर्ड पार्ट इज यू कैन सी -5 = 4 - 1/2 = 3/4। सब ब्रैकेट में है, सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन पुट करते जाएंगे और ये अपॉन 1 कंसीडर करते जाएंगे, जो कटेगा काट देंगे और नेगेटिव साइन को भूलेंगे नहीं। तो चलिए इसको हम कर ही लेते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। -5/1 × 4/1 × 2/1 × -1/2 × 3/4। 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। -5 × -1 इट विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 ही मिलेगा, +5 + 5 × 3, 5 × 3 = 15 मिल गया हमें, अपॉन क्या होगा, 1 × 1 × 2 × 2 और 4 हमारे पहले से कट चुके हैं, तो अपॉन 1 हो जाएगा, यानी कि 15 आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, वेरी इजी, यू विल डू इट योर सेल्फ। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 मिल जाएगा, और फिर 4 × 2 = 8, 21 में से 8 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 13 आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, चूज ट्रू और फॉल्स। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर असाइनमेंट वर्क, यू विल डू क्वेश्चन नंबर 9 बाय योर सेल्फ एंड क्वेश्चन नंबर 10। वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 10 इन द डाउट सेशन यस्टरडे, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 7.1। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।